बट क्या हुआ कि मतलब रात को फिर आते, फिर वो 1 घंटे में आइस आइस केक थे, तो मतलब वो जल्द। तो आज मैंने थोड़ा बहुत घर की चीज़ों से ही हल्का फुल्का अपने आपको रेडी किया है, तो इसका वीडियो मेरे चैनल पे आएगा, तो देखिएगा जोर से चार दिन दिया। तो अभी हम निकालते हैं कि मुझे क्या क्या पहनना है और सुशांत क्या पहनेगा, वो भी हम निकालेंगे आपको। और अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ कि हम लोग कहाँ जाएंगे, बस सुशांत आएगा तभी हम आपको भी लेके चलेंगे साथ में, क्योंकि मैं भी खुद अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, कोई केक वगैरह कुछ नहीं। अभी हाँ, आपको पता है मानसी के पापा फोन किए थे, मैंने अपने व्हाट्सअप स्टेटस में कुछ भी नहीं लगाया है, उन्होंने डायरेक्ट बोला फोन करके, आज किसका बर्थडे है भाभी? मैं बोली किसका बर्थडे है? तो किसी का नहीं, भैया का बर्थडे है क्या? मैं बोली नहीं, तो फिर किसका बर्थडे? मैंने बोला मेरा बर्थडे है। तो फिर उन्होंने मुझे विश किया, फिर उनकी जो वाइफ है मानसी की मम्मी, बहुत अच्छे हैं वो लोग, तो उन्होंने भी मुझे विश किया। इस बिल्डिंग में मुझे आई थिंक मैंने किसी को बताया भी नहीं है, एक्चुअली मैं आपको बताई ना कि मैं थोड़ा प्राइवेसी मेंटेन करके रखती हूँ, प्लस ये हम दोनों की मतलब मेरा बर्थडे है, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही ज़्यादातर, फैमिली होती तो बात अलग थी ठीक है, लेकिन फैमिली नहीं है, फैमिली घर पे है। यहाँ पे हमारा हमारी जो फैमिली वो मेरे सुशांत ही हैं, यानी मेरे हस्बैंड है, तो मैं अपना पूरा टाइम उनको देना चाहती हूँ। और देखो वो टाइम पे आए नहीं अभी तक, तो ऐसा है कि मतलब हम लोग वैसा मतलब कुछ वैसा अभी फ्रेंड सर्कल नहीं है, कुछ वैसा नहीं है कि हम लोग बहुत ही रेस्टोरेंट में जाएँ, बहुत बड़ा पार्टी करेंगे, वो कुछ वैसा नहीं है ठीक है। तो हम दोनों ही जन हैं, तो हम दो ही जन मतलब अपने आप को ही टाइम दे करके अपने आप की खुशियाँ खुद में सेलिब्रेट करेंगे ठीक है। तो मानसी की मम्मी, मानसी के पापा और मानसी और छोटी वाली जो बाकी जो मेरी फेवरेट है, जो आपको हमेशा ब्लॉग में दिखती है, तो वो भी साथ में मतलब सभी लोग मुझे विश किए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर से आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू ठीक है, बर्थडे विश किया आपने हमारे लिए ठीक है, इतना सोचा। तो अब मैं सोच रही हूँ उधर से जब मैं आऊँगी तो फिर उनके लिए कुछ लेकर आऊँगी, तो उनको मैं फिर दूंगी खाने के लिए ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताया कि अभी हम जाने वाले हैं सुशांत के साथ, तो अभी घर में कुछ वैसा प्रोग्राम बना नहीं है इस वजह से। तो अभी चलते हैं, सुबह में मैं बनाई थी सब्जी और रोटी, तो मैं वो खा लेती हूँ क्योंकि मुझे भूख लग गई है, 2 बज चुका है। अभी मैं पूजा की हूँ, भगवान का सारा कुछ मैंने साफ किया है, क्योंकि नवरात्रा स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी मैं रोज ही पूजा कर रही हूँ, दिया लगा रही हूँ। वैसे तो मैं रोज ही करती हूँ, बट थोड़ा अच्छे से ऐसे आज बर्थडे थोड़ा अच्छे से पूजा वूजा किया मैंने। और पापा आप जहाँ कहीं भी हैं तो बहुत बहुत थैंक यू, मुझे पता आप वहाँ से मुझ पर अपना जो रिलेशनशिप बनाए हैं, अपना प्यार मुझे वहाँ से दे रहे हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं, बस भगवान मेरे पापा जी को बहुत अच्छे से रखना, और बहुत अच्छे से हो मेरे पापा, और बहुत बहुत थैंक यू पापा ठीक है। तो क्या ही बोले, तो मेरे मेरे जो भी रिलेटिव्स हैं, अपने जो भी लोग थे, तो उन्होंने मुझे विश किया, और सबको बहुत बहुत थैंक यू। फेसबुक पे भी बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे विश किया, मैसेज किया है, जो कि अभी मैं बहुत लोगों को रिप्लाई नहीं दी हूँ, मैं सोची हूँ एक पोस्ट बना करके अपलोड कर दूँगी सभी को। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू ठीक है, स्पेशली बर्थडे विश करने के लिए, क्योंकि देखो ये छोटा सा शब्द है हैप्पी बर्थडे लोग आपको बोलते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्यार जुड़ा होता है, और एक वो फीलिंग्स होती है कि मतलब आप अपने को ही विश करते हो, है ना, जिनको जानते हो उनको विश करते हो। तो सभी को बहुत बहुत थैंक यू। तो चलते हैं, अभी कपड़ा निकाल के रखेंगे, पहले खाना खाएंगे उसके बाद कपड़ा निकालेंगे। सुशांत के लिए मैं निकालूंगी न्यू आउटफिट ठीक है, मैं अपना भी न्यू आउटफिट निकालूंगी, मतलब मैं खुद का नया और सुशांत का नया, हम दोनों नया नया आज पहनने वाले हैं। और पितरपक्ष भी खत्म हो गया है, आप सबको पता ही है, तो पितरपक्ष में हम लोग जो भी था, जो भी शॉपिंग थी, वो हमने फाड़ा भी नहीं है ठीक है, तो मतलब ऐसे ही रखा हुआ है पार्सल। तो अब हम लोग फाड़ेंगे नवरात्रा में और पहनेंगे ठीक है। तो क्या पहनेंगे वीडियो में बने रहिएगा, और आपको भी लेके चलेंगे बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो चलते हैं, पहले फटाफट से खाना खाते हैं। तो यहाँ पे मानसी की मम्मी आई थी, और मानसी की मम्मी ये देखो आ बैठी है, शानिया की मम्मी है, उनके बच्चे हैं, सब बैठे थे, आए थे मुझसे मिलने बर्थडे विश करने के लिए। और हम भी सोचे सुशांत को आने में समय है, तो क्यों ना हम लोग टाइम पास करें, दूसरे के साथ बैठ के बातें करें। यहाँ पे हम निकाल के रखे हैं, ये मेरा न्यू टॉप है, और ये मेरा न्यू जींस ही है ठीक है, और ये सुशांत का न्यू टी शर्ट, और ये दो जीन्स हम निकाले हैं, दोनों में से जो सुशांत को अच्छा लगेगा वो पहनेगा। और यहाँ पे मेरा आउटफिट है, मेकअप निकाल के रखे हैं, हल्का ही सिंपल सा मेकअप लुक करूँगी। अभी सुशांत अभी तक आया नहीं है, पता नहीं कब आएगा, बहुत ही लेट कर रहा है, बहुत ही लेट कर रहा है, वो अभी तक आया नहीं है। और क्या बोले, मानसी की मम्मी लोग सब आए थे ऊपर मेरे को विश करने के लिए, और मैं बताई आपको कि मैं कुछ वैसा हैवी सेलिब्रेशन नहीं कर रही हूँ घर में, तो बट हाँ सुशांत का बर्थडे में मैं कोशिश करूंगी कि बहुत अच्छे तरीके से करूं, लेकिन मैं खुद का बस ऐसे ही देखते हैं, सुशांत आएगा तो कहाँ जाना है, कुछ भी डिसाइड नहीं है, 5:30 बज चुका है, पता नहीं देखो कब निकलेंगे हम लोग। तो फाइनली हमारे मुनावरा जी आ गए हैं, और बज रहा है शाम के 6:30 ठीक है, क्योंकि वो आया लेट 6 बजे तक। तो हम लोग यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, और ये देखो आप मैंने सिंपल सा मेकअप किया है, या देखो जाने में कितनी रात हो गई, आई थिंक 6:30 पौने 7 बज ही गए थे, 7 बज गए थे निकलने में हमको ठीक है, और वहाँ पे पहुँचने में हम लोग को बच गए थे 8। और इस तरीके से हम लोग बस शाम में, वैसे मज़ा तो आ रहा था, लेकिन वापस रिटर्न भी होना था, उसका टेंशन था, लेकिन कोई नहीं, मतलब हम लोग गए अच्छे तरीके से, और वापस भी अच्छे तरीके से आए थे ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो काफ़ी शाम हो गई है, और मैं और सुशांत दोनों जा रहे हैं, यहाँ से 1 घंटे का ही रास्ता है,
भगोली साइड में हम लोग, आई थिंक भगोली से पीछे ही साइड से क्या, तो वहाँ पे हम लोग गए थे और वहाँ पे जो भी था रे, तू माही रे, साथी रे, तू माही रे, मैं ब्लॉग भी ले रही हूँ कंटिन्यू। तूने जो दिया मुझे एतबार, दिल जान से किया इकरार, जब मिलिया तेरा प्यार के मैनू, जब मिलिया मैनू, हैप्पी बर्थडे टू यू, जब हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हम कभी कहेगा वादा कोई टूटे ना, हाथ तेरा छूटे ना, जिससे ना रूठे मेरा यार है। वादा कोई टूटे ना, हाथ तेरा छूटे ना, मुझसे न रूठे मेरा यार। रब मिलिया सब मिलिया, जब मिलिया तेरा प्यार के मैनू, रब मिलिया मैनू, सब मिलिया मैनू, जब मिलिया तेरा प्यार। गम उठाऊं मैं, खुशियां लुटाऊं मैं, तुझ पे लुटा दूं संसार है। सारे गम उठाऊं मैं, खुशियां लुटाऊं मैं, तुझ पे लुटा दूं संसार। करने दे इजहार के मैनू, रब मिलिया सब मिलिया, जब मिलिया तेरा प्यार के मैनू, रब मिलिया मैनू, सब मिलिया मैनू, जब मिलिया तेरा प्यार।
वहाँ पे हम लोग केक कट करने के बाद दूसरे वाले मतलब पास में था, यहाँ से फिर निकल के हम लोग फिर डोमिनोज में आ गए थे क्योंकि हम लोग रेस्टोरेंट जाने वाले थे। फिर हम लोग बोले रेस्टोरेंट में खाना, तो खाना हम लोग घर पर ही बनाते हैं, क्यों ना चलो पिज्ज़ा ही खाया जाए क्योंकि पिज्ज़ा सब घर पर नहीं बन पाता है यार। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे डोमिनोज में केक कट करने के बाद, केक वगैरह कट खाया हमने, फिर थोड़ा सा केक हमने घर में लाने के लिए पैक भी करवाया। ठीक है, और यहाँ पे मैं और सुशांत बैठे हैं। सुशांत ऑनलाइन डिलीवरी जो भी है मतलब बुकिंग कर रहा था, पिज्ज़ा बुक कर रहा था ऑर्डर करने के लिए। ठीक है, और इसका बाल बार बार मैं सही कर रही थी, इसका बाल अजीब सा ही हेलमेट पहन के चप्पू सा हो जाता है, जिसकी वजह से सुशांत का फेस अजीब सा चप्पू चप्पू सा हो जाता है हेलमेट पहन करके। सच बताया तो हेलमेट पहनना मुझे नहीं पसंद है क्योंकि मेरे बाल पूरे ख़राब, देखो मेरे चिपकू से हो जाते हैं, सुशांत का तो पूरा ही चिपक जाता है, लेकिन हेलमेट पहनना भी ज़रूरी है गाइस। ठीक है, तो मैंने को बिना हेलमेट पहने सुशांत कहीं लेके जाता ही नहीं है, मतलब हमेशा मुझे हेलमेट पहना के ही ले जाता है जो कि सेफ्टी के लिए अच्छा होता है ना। तो यहाँ पे आप देखो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत सा जो भी है मतलब दो रील्स बना रही थी सुशांत के साथ, और सुशांत मेरा दो तीन रील्स यहाँ पे ले रहा था क्योंकि मैं आज पता नहीं उसको अच्छी दिख रही थी तो इस वजह से। और ये जो आउटफिट आप देख रहे हैं, जो भी कुछ आप देख रहे हैं, सारा सुशांत ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया। ठीक है, और ये जो टी शर्ट सुशांत पहना है इसको मैंने गिफ्ट करा था। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है 6 दिन के बाद मेरे सुशांत का ही बर्थडे है। खोलो क्या? हाँ खोलो।
पर।